चटर्जी अध्यापन के साथ साथ कला को जीवित रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कला इन्हें विरासत में मिली है। अपनी अभिरुचि और कला के प्रति समर्पित भावनाओं को उन्हीं की जुबान से सुनिए। मैं एक कलाकार, कला मेरी जिंदगी, शौक, सब कुछ। मेरा जन्म शिमला से शिमला में ही हुआ और एक कला परिवार में जन्म लेने के कारण जब से मेरी आँख खुली, मैंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा, तो शायद अनचाहे ना चाहते हुए भी हमने काम सीखना शुरू कर दिया था, शायद बचपन में ही। तो अनचाहे ही हमारे अंदर अपने आप एक ट्रेनिंग होती रही। मैंने कुशलता यूनिवर्सिटी से कलाक में पीएचडी की उपाधि ली, साथ साथ पीजी में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। 1994 में मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और तब से लेके अब तक मैं बच्चों के साथ कला की शिक्षा दे रहा हूँ। तो इस जर्नी में, इस विजुअल आर्ट जर्नी में, इस जर्नी में कई उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहे, जिसमें कि कई उपलब्धियाँ रहीं और कई जगह सम्मान मिला। उन सम्मानों के साथ करते करते आज मैं इस स्थान पर हूँ कि अपने कुछ एग्जीबिशंस मेरे बहुत सक्सेसफुल जाते हैं और लोग बुला बुला के काम देते हैं। तो जॉनर में मेरा जो एक काम है, मेरी जो एक जिसलिए मुझे जाना जाता है, वो है मेरे प्राकृतिक चित्रण के कारण। तो इस वजह से शुरू से ही मैं नेचर से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैंने अपने हाथ से जितने भी किन्नौर के मंदिर और मॉनेस्ट्रीज थे, उनके मैंने पेन ड्राइंग्स किए। उस पेन ड्राइंग से एक अलग से अंदर एक विकसित हुआ, जिसमें कि पर्सपेक्टिव का नॉलेज हुआ, जो कि बाद में वो सारा का सीरीज़ जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ। मुझे यहाँ के आसपास के छोटों का मेले पे बहुत एक, मैं उनके मेलों को देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। भैंस और आम आदमी, कैसे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और कैसे उनमें आपस में रिलेशन डेवलप होता है, उसको लेके मैंने तकरीबन 42 चारकोल में ड्राइंग्स की। इन्होंने अपने घर में अपनी कलाकृतियों का एक बहुत ही अनुपम संग्रह बना रखा है। पिताजी और मेरे में एक इच्छा थी कि हमारे पास जो काम है, जो हम करते हैं, वो दुनिया को भी दिखाएं और दुनिया को समर्पित करें। इस चाह को लेके, इस इच्छा को लेके हमने गांव ह्यून में एक छोटी सी आर्ट गैलरी का बनाने की कोशिश की। कुछ अवार्ड मिले, आईफेक से है, ललित कला से है, तकरीबन 7-8 अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसके अलावा भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मुझे मिला है, जो कि हिमाचल के ही एक संस्था ने मुझे दिया है। अभी तक मैंने 84 म्यूरल्स मैंने ऑल ओवर इंडिया में इंस्टॉल किए हैं। शिमला में भी विधानसभा के पास, नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट अकाउंट्स में, हिमाचल यूनिवर्सिटी में, और मुझे मौका मिला नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का हेडक्वार्टर डिज़ाइन करने का। सोलन के माल में भी एक 80 फीट बाय 20 फीट का एक थोटो के ऊपर बहुत बड़ा म्यूरल है। मैं पार्लियामेंट में जितने भी स्पीकर्स हैं, उनमें से सबसे पहला स्पीकर्स का पोर्ट्रेट मैं मुझे दिया गया है बनाने को, जो कि वो पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में इन फ्यूचर वहीं लगेगा, वहीं डिस्प्ले होगा। हमेशा प्रकृति ही मुझे एक इंस्पायर करता रहा है। वो कविता के ढंग से मेरे चित्र में आ ही जाते हैं, वो मेरी हमेशा कोशिश रहती है। उनको रंगों के माध्यम से या चारकोल के माध्यम से कहीं ना किसी ने किसी रूप से बांधने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरे इसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे चित्रों में भी मैं झलकूँ, मुझे नाम से नहीं पढ़ा जाए, मेरे काम से मेरी पहचान हो। ये मेरी हमेशा कोशिश रही है। कलाकार एक मधुमक्खी की तरह होता है। कोई भी फूल मिले, जैसा भी हो, उससे खुशबू लेने, उससे शहद लेने की कोशिश करता है। और जब वो एकांत में बैठता है, उसी को जो दिनचर्या को संजो के रखता है, उस खुशबू को अपने अंदर से निकालता है और अपने काम में वो उसे समर्पित कर देता है। वो काम हमेशा रहता है।